never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you. तो वेलकम टू द वीडियो गाइस. आज है 23rd of June और हम लोग अभी जा रहे हैं कहाँ पे. हम लोग जा रहे हैं नेहरू प्लेस में एसएमसी इंटरनेशनल अपने राशिद भाई का पीसी बिल्ड करने के लिए. और इसमें स्पेशल इंसान का हम लोग पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे खुद ही जाना पड़ रहा है आज बिल्ड करने के लिए. और मेरे साथ में कैमरा के पीछे हैं प्रो पीसी बिल्डर तरन तेज पाल सिंह, जो कि उनका पीसी बनाएंगे. जैसा कि राशिद भाई ने अपनी पोस्ट में डाला ही था कि उनको चाहिए था, उनको इंटेल का 10th जनरेशन का एक अपना बिल्ड चाहिए था, जिसपे कि वो फ्यूचर में बेंचमार्क्स वगैरह कंडक्ट कर सकें और टेस्टिंग के लिए उस बिल्ड को यूज़ कर पाएं. तो वही बिल्ड हम लोग करने जा रहे हैं. उनका बजट है तकरीबन 1.5 लाख रुपये के आसपास का, 1.5-1.6 के बीच में जो हो जाए. तो विल ट्राई आवर बेस्ट, जो बेस्ट कॉम्पोनेंट्स मैं उनको दे पाऊँ इस प्राइस के अंदर, और ज़रा उसको बिल्ड को थोड़ा मैजिक टच भी देते हैं अपने हाथ लगा के. सर, आप में से काफी भाई जो थे वो मेरे को ये बोल रहे थे कि यार दाढ़ी क्यों काट ली, मूछें क्यों उड़ा दी. तो देखो, उसकी वजह ऐसी है कि आज से तकरीबन 2.5 या 3 साल पहले मैं कुछ इस तरह का दिखा करता था. मैं फोटो दिखा दूंगा अभी स्क्रीन पर. तो हाँ, कुछ टाइम पहले मैं ऐसा दिखा करता था. उस टाइम पे अपना भी जॉ लाइन थी, थोड़ा चिजल्ड फेस था. उस टाइम तुम्हारा भाई लड़कियों में थोड़ा पॉपुलर भी हुआ करता था. तो अभी होता है यार कि व्हेन यू ग्रो अप बियर्ड, तो जो तुम्हारा चेहरा होता है ना, वो छुप जाता है उसके नीचे. एंड फिर तुम्हारा मोटापा जितना मर्जी बढ़ता रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड द सेम हैपेंड विद मी. जब मैंने बियर्ड ग्रो करना शुरू किया, उसके बाद मेरे को दिखता तो था नहीं नीचे का. तो खाते खाते कढ़ाइयाँ खा खा के फैट बढ़ गया, सारा फेस का फैट बढ़ गया. तो अभी जब दाढ़ी होती है तो दिखता नहीं है, तो आपको कोई मोटिवेशन मिलता नहीं है कुछ करने का. अभी जब मैं रोज सुबह खुद को ऐसे देखता हूँ ना, फूला हुआ चेहरा और इस तरह से, तो मेरा मन करता है कि हाँ चेंज किया जाए, कुछ चेंज लाया जाए, थोड़ा अपना स्लिम किया जाए, मतलब थोड़ा फैट लॉस किया जाए. तो यही मैं अभी कर रहा हूँ फिलहाल. ये बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. और कुछ टाइम के लिए ऐसे सह लो अब मेरे को. बियर्ड भी उगाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब मेरा थोड़ा फैट कम हो जाएगा इस बार में, उसके बाद में ही जो है बियर्ड उगाऊंगा. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you. Okay, so guys, finally हम लोग पहुंच चुके हैं SMC International. आप देख सकते हो ऊपर. सो वी हैव रीच आर डेस्टिनेशन. इतनी भीड़ है, लॉकडाउन का छोड़ो, अभी 2 मिनट के लिए मास्क उतारा है. लॉकडाउन की बात कर रहे हो तुम, यहाँ पे देखो पीछे. मेरे को अपनी गाड़ी ना पीछे एकदम जाके पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी है. और इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी मुझे लग रहा था खाली होगा, इतनी भीड़ है इसकी कोई हद नहीं. अंदर चलते हैं. सबसे पहले वी हैव टू सैनिटाइज आवर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान रखना ज़रूरी है. सो वी सैनिटाइज आवर फुट एंड देन वी गेट इन. और यहाँ पर घुसते ही यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड्स एज़ वेल. और फिर यहाँ पे हैं गुरमीत जी. गुरमीत जी हेलो बोल दो. हेलो. और साथ ही में वी हैव शेखर जी. इसमें शेखर जी. नो 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 नो. राम राम. नमस्ते. कैसा चल रहा है कोरोना में, जिंदगी कैसी चल रही है? कोरोना में जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी? एक बार शक्ल तो दिखा दो सर. शक्ल देखिए. सेलिब्रिटी मटीरियल शेखर जी. नमस्ते जी. यस. अरे हाँ, अपने तो अपने होते से कुछ याद आ गया मेरे को. शेखर जी हमारे पहले आप इनको देखा करते थे जनरेशन नेक्स्ट स्टोर पर, लेकिन अभी वहाँ से यहाँ आ चुके हैं. क्यों? क्योंकि अपने तो अपने होते हैं. एंड देन वी हैव द बिलिंग टीम. अभी मैं राशिद भाई का जितना सामान है बिल्ड का, उसका जो जुगाड़ करते हैं. कार्ड शायद आ चुके हैं, क्या आ गया क्या नहीं है मेरे को नहीं पता, बट लेट्स अरेंज द स्टफ. तो फाइनली ये है वो जगह जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है पीछे जाके, क्योंकि सारी पार्किंग जगह भरी हुई है. राशिद भाई बहुत मेहनत करा रहे हो यार.
तो अभी सामान को डालते हैं गाड़ी में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने ऑनलाइन वाले ऑफिस, जो कि मैंने तुम्हारे को दिखाया था पहले वीडियो में, याद है? अगर नहीं देखी वीडियो, ऊपर आई कार्ड पर लिंक है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। हमारा ऑनलाइन वाला जो ऑफिस और जो गोडाउन है, वहाँ पर इस सामान को लेके जाते हैं और फिर बिल्ड करते हैं राशिद भाई का पीसी, इसको डालते हैं जल्दी से गाड़ी में। लेट्स गो। I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फाइनली सारे कंपोनेंट्स जो हैं अरेंज हो चुके हैं राशिद भाई के बिल्ड के लिए। जल्दी से आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ सभी कंपोनेंट्स का, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो में, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ज़्यादा डिटेल में जो है राशिद भाई के पास अगर सिस्टम जाएगा तो वो वीडियो डालेंगे, तो उनके चैनल पर जाकर चेकआउट कीजिएगा। अभी के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। यहाँ पर इस बिल्ड में हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रोसेसर में इंटेल का कोर i7-10700 प्रोसेसर, इंटेल की नई 10th जनरेशन पर बेस्ड ये प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर आता है गाइस 8 कोर और 16 थ्रेड्स के साथ में। बात कर लें फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर आपको 2.9 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक और साथ ही में 4.8 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो क्लॉक जो है वो दी जाती है। अब गाइस, वैसे तो ये जो प्रोसेसर है ये आता है एक स्टॉक कूलर के साथ में, बट थोड़ा सा एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा इस प्रोसेसर की जो कूलिंग है उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डीप कूल का कैसल 360 RGB V2 AIO लिक्विड कूलर, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात किया था। बहुत ही अमेजिंग लिक्विड कूलर है और मोर ओवर बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट के ऊपर आता है, और ये इंश्योर करेगा कि अगर फ्यूचर में आप एक हायर TDP वाला प्रोसेसर भी यूज़ कर रहे हैं तो भी ये हीट डिसिपेशन अच्छे से कर पाए और किसी भी तरह की दिक्कत इन टर्म्स ऑफ थर्मल एफिशिएंसी में आपके प्रोसेसर को ना फेस करनी पड़े। इसके बाद बात कर लें गाइस इस बिल्ड में यूज़ किए जाने वाले मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं MSI का Z490 गेमिंग कार्बन वाईफाई मदरबोर्ड। बहुत ही अमेजिंग मदरबोर्ड है, इंटेल के Z490 चिपसेट के ऊपर बेस्ड, और अभी फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि 10th जनरेशन के लिए जो हमारी मार्केट है वहाँ पर फिलहाल सिर्फ Z490 मदरबोर्ड्स ही अवेलेबल हैं, विच मेक सेंस विद i5 अनलॉक्ड या फिर i7 अनलॉक्ड, बट क्योंकि फिलहाल हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग इसी मदरबोर्ड के साथ जाएंगे। वैसे मदरबोर्ड बहुत अच्छा है, अगर आप एक अनलॉक प्रोसेसर को इस मदरबोर्ड के साथ पेयर करते हैं तो अच्छी खासी ओवरक्लॉकिंग जो है वो आप इस मदरबोर्ड के साथ में जो है अपने प्रोसेसर की कर पाएंगे। मोरओवर यहाँ पर आपको अच्छी VRM दी जाती है जो कि इंश्योर करेगी कि आप अच्छे से ओवरक्लॉक कर पाएं, साथ ही साथ में काफी सारे फीचर्स जैसे कि इनबिल्ट वाईफाई और भी काफी कुछ जो है इस मदरबोर्ड में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लें ग्राफिक्स कार्ड की, जो कि इस बिल्ड में यूज होने वाला है, तो ये काफी अनकॉमन सा ग्राफिक्स कार्ड है मैं कहूँगा, मतलब कि बहुत ही कम बेस में आप इस कार्ड को यूज़ होता हुआ देखेंगे, और ये Inno3D का जो प्रीमियम रेंज ऑफ कार्ड्स आते हैं उनमें से एक है। जैसे कि हमारे बाकी ब्रांड्स में हाई एंड सेगमेंट्स आते हैं कार्ड के, जैसे कि Asus में आपके पास Strix वेरिएंट आता है, MSI में जो है आपके पास उनका गेमिंग X वेरिएंट आता है, वैसे ही Inno3D में जो है iChill ग्राफिक्स कार्ड्स आते हैं जो कि उनके प्रीमियम सेगमेंट ऑफ कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस बिल्ड में Inno3D का RTX 2070 सुपर iChill X3 अल्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड। ये ट्रिपल फैन ग्राफिक्स कार्ड है, यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले भी मिल जाता है जिस पर आप कार्ड के टेम्परेचर्स, फैन स्पीड वगैरह, इस तरह की सेटिंग्स जो है उनको मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग कार्ड है, बिल्ड क्वालिटी कार्ड की बहुत ही अमेजिंग है, और जब आप इसको टच करेंगे आप फील करेंगे कितना प्रीमियम इस कार्ड को जो है बनाया गया है, और अच्छे से इसको जो है ओवरक्लॉक भी किया जा सकता है इस कार्ड को। अब इस बिल्ड में 2070 सुपर जो है ये इंश्योर करेगा कि अगर 4K के ऊपर भी आप किसी AAA टाइटल को या गेम को रन करते हैं तो अच्छे खासे प्लेबल FPS जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। 1080p और 2K पर तो बहुत ही स्मूथ एज बटर आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, लेकिन 4K गेमिंग भी अगर आप करना चाहें तो भी 2070 जो है उसके कैपेबल है। इसके बाद बात कर ले सिस्टम मेमोरी की, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं Zscaler की ट्राइडेंट Z RGB मेमोरी। यहाँ पर दो मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे 3200 MHz के, 8GB के दो मॉड्यूल, यानी कि टोटल 16GB मेमोरी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और इस मेमोरी की जो रेपुटेशन है मार्केट में बहुत ही अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली ओवरक्लॉकिंग। अगर आप अपनी मेमोरी को यानी कि रैम को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो ट्राइडेंट Z को अच्छा खासा पुश किया जा सकता है। 16GB रैम जो है इंश्योर करेगी कि आपको गेमिंग करनी हो या फिर जो है आपको स्ट्रीमिंग करनी हो, दिस वुड बी मच मोर देन इनफ अभी के लिए इस टाइम पर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने स्टोरेज एस्पेक्ट्स के ऊपर, तो स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं XPG की SX6000 Pro 512GB की M.2 NVMe SSD। अब इस NVMe SSD पर हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करेंगे और साथ ही में आपके सॉफ्टवेयर जो हैं उनको स्टोर करेंगे, और ताकि आपका विंडोज़ का जो बूट अप टाइम है, जो आपका एप्लीकेशंस का लोड टाइम है, गेम्स का लोड टाइम है, वो स्पीड अप हो जाए और बिल्कुल स्नैपी आपका सिस्टम जो है वो ऑल द टाइम रहे। इसके बाद में गाइस बात कर लें अपने सेकेंडरी स्टोरेज की, जहाँ पर जो है
आप जिसको ऐसा बैकअप स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने वीडियोस, अपने फोटोज या फिर अपना होमवर्क, या फिर अपना होमवर्क मैं कह रहा था कि आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस बिल्ड में सीगेट की बैराक्यूडा 1 TB की मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, विच वुड बी सर्विंग एज द बैकअप स्टोरेज एज अ सेकेंडरी स्टोरेज इन दिस बिल्ड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं 512 GB की M.2 NVMe SX6000 Pro और साथ ही में सीगेट बैराक्यूडा मैकेनिकल हार्ड ड्राइव 1 TB की। तो अब यहाँ पर इस बिल्ड में हम लोग सभी अच्छे कॉम्पोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया, महंगा प्रोसेसर, महंगा मदरबोर्ड। तो जस्ट टू मेक श्योर कि ये सारे कॉम्पोनेंट सेफ रहें ऑल द टाइम 100% लोड के ऊपर, इनकी पावर डिलीवरी, जो इनको पावर डिलीवरी चाहिए उसमें कोई दिक्कत ना है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एंटेक का अर्थवॉट सेगमेंट में आने वाला EA750G पावर सप्लाई यूनिट। एक 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूनिट है, 750 वॉट का सप्लाई है ये, और इसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स यूज़ किए गए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कैपेसिटर्स और सारे कॉम्पोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। 10 साल की वारंटी के साथ में पावर सप्लाई यूनिट आता है और एक सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, सारी ब्लैक फ्लैट केबल्स और आपके बिल को जो है 100% लोड के ऊपर ऑल द टाइम स्टेबल रखेगा ये पावर सप्लाई यूनिट। अब लास्टली गाइस बात कर लें इस बिल में यूज़ किए जाने वाले कैबिनेट की, तो राशिद भाई की ऐसी डिमांड थी कि जो उनका केस है रादर देन बहुत ज़्यादा RGB वाले के बजाय जो है थोड़ा सा स्लीक लुकिंग केस हम लोग यूज़ करें इस बिल्ड में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डीप कूल की तरफ से आने वाला उनका मैक्यूब 550 कैबिनेट, जो कि एक बहुत ही स्लीक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ में आता है, मॉडर्न एंड मिनिमलिस्टिक मैं ये कहूँगा रादर देन सिंपली मिनिमलिस्टिक। बहुत ही अमेजिंग केस है, बिल्ड क्वालिटी जो मेटल यूज़ किया गया है बहुत ही प्रीमियम है, और इस केस में ही जो इस बिल्ड को है हम लोग असेंबल करने वाले हैं। तो ये तो बात रही गाइस सभी कंपोनेंट्स की जो कि इस बिल्ड में यूज़ होने वाले हैं। आइए जल्दी से बिल्ड करते हैं इस पीसी को, उसके बाद में करते हैं इसको पैक और फिर इसको करते हैं टाटा बाय बाय, शिप करते हैं अपने राशिद भाई के पास। I don't want you, it's time for you to go. फाइनली इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद रेडी हो चुके अपने राशिद भाई का सिस्टम यहाँ पर, देखो देखने में कैसा लग रहा है, अभी तक कुछ आ नहीं रहा, आ चल गया देखो। तो कुछ इस तरह से जो है अपना सिस्टम बना है पूरा, रैम भी चल गई है और ये फाइनल रिजल्ट। अब ये सिस्टम हम लोग शिप करने वाले हैं अपने अब्दुल राशिद भाई को, वो आपको डिटेल में बताएंगे इस पीसी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में किस तरह की, और साथ ही में इस पीसी पर कंडक्ट करेंगे कुछ बेंचमार्क्स। तो अगर वैसे तो तुमने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा राशिद भाई को, अगर नहीं करा तो मैं लिंक डालूंगा नीचे, वहां से जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो आएगा अब्दुल राशिद के चैनल पर। एंड राशिद भाई बढ़िया है ना, बताइएगा एक बार। हाँ सो ये थी गाइस आज की वीडियो और अपने राशिद भाई का पीसी बिल्ड। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो सबसे पहले तो करो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, साथ ही सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन Cheers.